Hallo, ich bin der Florian. Kennen, Politiker, Afghanistan, Balochistan, Afghanistan, Pakistan, Freedom, Balochistan, 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 जमा हुए हैं। सबसे पहले बलोच भाइयों को के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए जिन पर अंग्रेज़ों की नाजायज़ तख्लीक पाकिस्तान ने अपने क़याम के 6 महीने के बाद कब्ज़ा किया था। अच्छा, और उस कब्ज़े के दिन से
आज तक बलोच अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो ऐसी तो यहाँ पर जो बलोच साथी जमा हैं, जो यहाँ से बलोचिस्तान के पहाड़ों से मैदानों तक लड़ रहे हैं, आज हम उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और इस बात का दुनिया को बताने के लिए कि अंग्रेज़ों का 70 साल पहले किया हुआ गुनाह आज तक हजारों और लाखों इंसान बलोचिस्तान, पश्तूनिस्तान और सिंधु देश में भुगत रहे हैं, उनकी मालिकी करना ये मौजब इंसानियत का फर्ज है। तो ये मुल्क जिस झूठ और मकर के बुनियाद पे, धोखे के बुनियाद पे बना, उसकी आज बुनियादें हिल गई है। उसकी मिसाल आप पश्तूनिस्तान में बमबारी, वजीरिस्तान में बमबारी और पूरे बलोचिस्तान में बमबारी, और लोगों की जो है ना वो इज्जतें महफूज नहीं है। और सिंध में जो कश्मीर का इंतकाम ले रहे हैं पाकिस्तानी फौजी, वो वहाँ उस धरती के असल मालिक सिंधी हिंदुओं के ऊपर मजालिम करके, उनके मंदिरों को जलाकर, उन पर जुल्म करके, ज़बरदस्ती उनकी शादियां करके, उनको मुसलमान बना के वो कर रहे हैं। और दो दिन से सिंध जो है कर्बला का मैदान है, सिंध कश्मीर से ज़्यादा सिंधी हिंदुओं का जहन्नम बना जा चुका है, जो उस धरती के मालिक है। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं सॉलिडरिटी के लिए कि महज़ब दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को और आप सब के थ्रू ये बताएं, और ख़ास तौर पर हम महज़ब दुनिया को, यूएनओ को और हमारे तारीखी पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को बाशुतुआब अंदाज में अपील करते हैं कि हिंद का तराना सिंध के लफ्ज के सिवा मुकम्मल नहीं है। सिंधी हिंदुओं का जो सिंध वतन के मालिक हैं, उनकी मालिकी हिंदुस्तान के ऊपर फर्ज भी है और हिंदुस्तान के ऊपर सिंध का तारीखी कर्ज भी है। ये कोई नहीं बता सकता, आज़ाद मीडिया आज तक हिंदुस्तान ने कश्मीर, जिसको ये अपनी शहर कहते हैं, कोई बमबारी नहीं की। ये कश्मीर की ये ISI स्पॉन्सर्ड स्ट्रगल, जिसको ये कहते हैं, उसकी लात पे लात रख दी है, उसकी दुम पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने। और आज ही अभी मैं थोड़ी देर पहले खबरों में हिंदुस्तान के वजीर खारजा का बयान पढ़ रहा था, वो पाकिस्तान से कह रहे थे कि पाकिस्तान POK पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से कब निकलते हो, जरा फंसे जाओगे या जूते खाकर जाओगे, जिस तरह बंगाल में जूते मिले। मैं उस बयान को सलाम करता हूँ। और ये कश्मीर का ड्रामा 70 साल से जिस पे पाकिस्तानी फौज ने बिजनेस किया है, दहशत गर्दी पाली है और हाफिज सईद कैसे पाले हैं, आज वही सिंध में सिंध का हाफिज सईद मियां मिठू है अब वोट की, जो पाकिस्तानी फौज के जनरल के साथ मिलता है, जो पाकिस्तान का सिविल ड्रेस जनरल है। हम UN को कहते हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान पे ये जोर दें कि वो सिंध के हाफिज सईद को गिरफ्तार करके उस पर ह्यूमन क्राइम्स का मुकदमा चलाए, जो मियां मिठू है, जिसको हम सिविल ड्रेस करते हैं, वो जनरल बाजवा का असिस्टेंट है। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ यहाँ पर आप दोस्तों को बलोचिस्तान के साथ वापस सगी, हम बस सगी ये हमारे रिश्ते सदियों से तारीखी और फित्री रिश्ते हैं। बलोचिस्तान की आज़ादी सिंध की आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है, और हम पाकिस्तान की नाबूदी और पाकिस्तानी रियासत की बर्बादी का सिंधी और बलोच लड़ेंगे, और हमारा साथ रहेगा, ये साथ का यकीन दिलाने के लिए हम बलोच साथियों के साथ मुजाहरे में शरीक हुए हैं। और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। सिंधु देश आज़ाद बलोचिस्तान और आज़ाद पश्तूनिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। Thank you.
यहाँ पे आए सबको अपने दिल से सबका स्वागत वेलकम और आज हम चाहे पश्तून हो या सिंधी या बलोच हम सब एक है मसूची बलोच भाइयों बहनों। आज के पाकिस्तान की आर्मी जो हमारे ऊपर ये जुल्म और तशद्दुद कर रही है, आप अकेले नहीं हो। आज हजारों पे हमारे बलूच नौजवान, हजारों पे पश्तून नौजवान, हजारों पे निदाद पे सिंधी नौजवान आज मिसिंग है, आज घरों से लापता, उनका कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। आज बलूचों के साथ हमारा उनके साथ एकजुटी, उनके अम्बस्ते के साथ हम खड़े हैं। पश्तून बलोच सिंधी हमारा दुश्मन एक ही है जो पंजाब पाकिस्तान, हम सब मिलके इस दुश्मन के साथ लड़ेंगे। आज जो हमारे ऊपर ये हालात आए वो आवाज़ें लगाते हैं जो कश्मीर में दहशतगर्द इंडिया की तरफ से। आज जो आज वज़ीरिस्तान दिखाता हूँ जो मेरा शाह में क्या हाल जो है, आज वज़ीरिस्तान के लोगों पे हर कमर पे आज 2 महीने हो गए जो कर्फ्यू है, आज वहाँ पे लोगों को कोई इजाज़त नहीं है। इससे आप सब लोग वाकिफ हैं जो पाकिस्तान के अंदर कितनी जुनून है, कितना दहशतगर्दी जो आर्मी कर रही है, ये हम सबको पता है कि आज पाकिस्तान इतना जुल्म करे जो हिटलर ने नाजियों के ऊपर नहीं किया, जितने पश्तून कौम के साथ बलूच भाइयों बहनों के साथ हिटलर ने ऐसे नहीं किया, जितना इस न्यू नाजियों से ज्यादा बदतर पाकिस्तान की आर्मी है। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि बलोच बहनों भाइयों के लिए हमारी हमदर्दी है, उनके साथ हम खड़े हैं, वो अकेले नहीं इस जंग में, इस जंग में हम सब आज़ादी के लिए, इनकी आज़ादी के लिए हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ये हमारा एक ही मकसद है, चाहे वो सिंधी भाई हो या बलोच हो या पश्तून हो, जिसके साथ ये ज्यादती हो रही है हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चाहे पाकिस्तान के जो ये लोग हैं जो कहते हैं, जो जे हम कहते हैं मुर्दाबाद पाकिस्तान, क्योंकि हम जे बलूचिस्तान बोलेंगे, जे सिंधु देश, जे पश्तून, क्योंकि ये लोग सदियों से कुर्बानियां देके आए हैं और कुर्बानियां देते रहेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती। इस आज़ादी के लिए हमने मिशन छेड़ा है और आज़ादी लेके रहेंगे। अल्लाह बलूच क्या चाहते, बलूच क्या चाहते, बलूच क्या चाहते, सिंधी क्या चाहते, सिंधी क्या चाहते, कश्मीर क्या चाहते, पश्तून क्या चाहते, पश्तून क्या चाहते, पश्तून क्या चाहते। थैंक यू राम पटियाल। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर सीनियर लीडर ऑफ वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस डॉक्टर लक्कू लोहाना साहब। डॉक्टर लक्कू लोहाना साहब, डियर फ्रेंड्स, डियर पीपल ऑफ द ऑपरेस्ट and subjugated nations, dear friends of the Baloch nation, Pashtun nation and Sindhi nation, today we have gathered here with one hope, that is hell that has been burning
Baloch people, Sindhi people, and Pashtun people for the last 70 years is coming to an end. The whole Pakistan is crumbling. They have committed so much crimes. They have shed so much blood that they are drowning in these under the burden of that these crimes. They are drowning in that blood, of the innocent blood of the Baloch people, of Sindhi people, and Baloch people. It's not only us who are slaves. They have created instability. They have created massacre all over the world. Look at all the neighbors of Pakistan, and who's safe from them? Is India safe from them? Is Afghanistan safe from them? Is Iran safe from them? The answer is no. Forget about these neighbors. Is global, the world is safe from them? The answer is no. They have created the most fundamental, critical, and lethal threat of the 20th and 21st century. It is the time that the rightful owners of the land, of Baloch land, of Sindh land, and Pakhtunkhwa land, they have now vacuumed. And they cannot keep us. There is a saying that the freedom can be delayed, but it cannot be denied forever. It will come, and the day will come when we all nations, we will celebrate here as independent nations, as facet. Dekhenge zahir hai ke hum bhi dekhenge. دیکھیں گے ظاہر ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لو ازل میں لکھا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے اور تخت گرائے جائیں گے اور راج کرے گی خلق خدا جو تو بھی ہے اور میں بھی ہوں یہ کرلن جالا لانگ لیو بلوچستان لانگ لیو پشتونستان لانگ لیو سندھ تھینک یو ویری مچ At the end of this protest, I would like to call Harima Baloch to say some words in front of the protesters. Harima ذمہ داریاں کیا ہیں ہیومن رائٹس کے تھرو ان کی ڈیوٹی کیا ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یونائٹڈ نیشن کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمیں یہاں پہ آ کے اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑتی مگر پھر مجھے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم جب بھی سندھ میں بلوچستان میں یا ہمارے پشتون بھائی ہمارے پیاروں کی بلوچ مسنگ پرسن سندھی اور پشتون مسنگ پرسن کی تصویریں اتارتے ہیں اور ان پہ سوالیہ نشان ہوتا ہے ان تصویروں پر کہ ہمارے پیارے کہاں ہیں ہمارے بچے کہاں ہیں ہمارے باغیاں کہاں ہیں وہاں پہ ایک پلیکارڈ بہت ہی ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے دیار آدمی ہوئی آئی ہوپ کہ یو این او کہیں پاکستانی کسی آرمی چیمبر میں بلوچوں کی طرح مسنگ نہیں ہے یا پشتو اور سندھیوں کی طرح مسنگ نہیں ہے اور اس کو خود تو وہاں سے ریکور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وہ ہماری آواز شاید سن سکے کیونکہ جینوسائڈ اور وار کرائمز جیسے بڑی چیزیں دنیا میں نہیں ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف انسانیت کے خلاف جو بلوچستان سندھ اور پشتونستان میں ہو رہی ہے اس پر یونائٹڈ نیشن کی خاموشی ضرور سوالیہ ہوگی ان سپریسڈ نیشن کے ذہنوں میں اور آئی ہوپ کہ کسی دن اس بروکن چیئر کی طرح ایک سائن بروکن ٹرسٹ کا نہیں ہوگا ان سپریسڈ قوموں کی طرف سے
यूनाइटेड नेशन को तोहफे के तौर पर। थैंक यू। ग्लोबल टेररिस्ट ग्लोबल टेररिस्ट ग्लोबल टेररिस्ट ग्लोबल टेररिस्ट ग्लोबल टेररिस्ट Thanks to our friends, who joined our protest. Thanks to our journalists, photographers. Now we announce to end this protest demonstration, and we give this protest demonstration to a free Balochistan, a free Pashtunistan, a free Hindu day. This protest demonstration demands the United Nations to hold Pakistan accountable for committing inept human rights crimes in Balochistan, Pashtunistan and Hindu day. Thanks to all.